हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये डेकिन का एयर कंडीशन है। इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेसर इसका बंद हो जाता है, एसी ऑन होता है, फिर उसकी थोड़ी देर बाद कंप्रेसर इसका खुद अपने आप बंद हो रहा है। ठीक है, बंद क्यों हो रहा है, वो रीज़न क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर चढ़ के। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है, एसी रनिंग कंडीशन में, इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका जो डिस्चार्ज वाला पाइप है, आप देख रहे हैं ये डिस्चार्ज वाला जो पाइप है, किसी टेक्नीशियन ने क्या किया है, इस नट को टाइट किया है, इतना ज़्यादा टाइट कर दिया है कि इसका पाइप बिल्कुल पंच हो रखा है। आप देख रहे हैं बिल्कुल इतना स्पेस नहीं है कि इसमें से गैस रिलीज हो जाए प्रॉपर तरीके से, इसका पाइप बिल्कुल पंच हो गया है, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है इसमें। तो ये पाइप क्या करना है, इस पाइप को हमें निकालना है यहाँ से, इस नट को खोलना है, उसके बाद इस पाइप को कट करना है यहाँ से, फिर उसके बाद दोबारा फिलियर बनाना है, इसको फिलियर बना के उसके बाद हमें कनेक्ट करना है, तब ये प्रॉपर काम करेगा। एसी क्या है, थोड़ी बहुत देर चलता है, फिर उसके बाद अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि गैस प्रॉपर तरीके से नहीं रन कर पा रही है। वैसा एक कंडीशन और भी है, आप जब न्यू एसी इंस्टॉल करते हैं या फिर न्यू एसी परचेज करते हैं, तो क्या होता है, नए एसी में पीछे यहाँ हीटिंग कंडेंसर होता है, जो यहाँ पर क्या होता है, एक गस्ता लगा होता है पीछे हीटिंग कंडेंसर को, नीचे मतलब सेफ रखने के लिए। जब एसी यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं तो उस समय क्या होता है, अगर मिस्टेक से वो लगा रहता है तब भी क्या होता है, कंप्रेसर तुम्हारा थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद हाई एम्पेयर होंगे, हाई एम्पेयर के बाद वो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ भी आपको माइंड में सेफ करके चलना है कि हो सकता है न्यू एसी हो तो आपको पीछे भी देख लेना है। हालांकि ये मिस्टेक होते ही नहीं, मगर फिर भी मैंने बताया था, क्योंकि ये चीज़ से भी एम्पेयर मतलब बढ़ते हैं, उसके बाद आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से एयर नहीं खींचेगा ये हीटिंग कंडेंसर, तब ये दिक्कत आती है। तो अभी इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका पाइप जो है बिल्कुल पंच हो चुका है, पाइप बिल्कुल ही पंच है, इतना पंच हो गया है कि गैस निकलने के चांसेस बहुत कम है, 99% यूँ समझ लें आप, इसका पाइप बिल्कुल पंच हो चुका है। ठीक है, तो आपके सामने कभी भी ऐसे फॉल्ट आए, अंडरग्राउंड पाइपिंग में खासतौर से ये चीज़ आती है, ये अंडरग्राउंड पाइपिंग ही है फिलहाल, यहाँ पे तो ओपन है, तो आपको इस चीज़ को नोट कर लेना है, अगर आपके सामने ये फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे न्यू विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।